आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी तीन गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो, हरियाणा से खास करके। हरियाणा में जो बीएड कराई जाती है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी है, इग्नू यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर आती है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो, डीक्रेस्ट यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सरकारी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, आप यहाँ से आसानी से बीएड में एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई एंट्रेंस नहीं होता है, बट उसके बावजूद कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। स्टूडेंट्स परेशान क्यों होते हैं? गलतियों की वजह से, जब वो खुद कर बैठते हैं उनको उनके बारे में पता नहीं होता है किस तरह से बीएड करनी चाहिए, क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए, और उसके बाद जब उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होते हैं तब उनको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है या प्रैक्टिकल टाइम पर सामना करना पड़ता है, और उसके बाद पता चलता है कि फीस जो तय हुई थी फीस बढ़ गई है, या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, पेनल्टी लगा दी गई है, और कई स्टूडेंट्स तो एग्जाम तक नहीं दे पाते हैं। और इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब, एक ही कारण होता है, क्योंकि जब आपने एडमिशन लिया तो पूरी तरह से उसको समझा नहीं। आज मैं बताऊंगा कौन सी तीन गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप हरियाणा से बीएड करना चाहते हैं। तो ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, हरियाणा से बीएड करने के लिए सबसे पहले बड़ा ही साधारण रूप से आप ये समझिए कि आपके ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में 50% मार्क्स होने चाहिए। कोई भी स्टूडेंट अगर सोचता है कि एक साल की बीएड अभी हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीएड अभी 2 साल की ही है, 2 साल की बीएड में ही आपका एडमिशन होगा। एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन या मास्टर्स में। फीस की हम लोग बात करें तो यहाँ फीस ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर फीस आपका आसानी से 75,000 to 90,000 या 1 लाख तक के बीच में, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट जो आपका एडमिशन लेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन सी तीन गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप हरियाणा से बीएड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आप में से जो भी कोई पहली बार आया है हमारे चैनल पर, पहली बार देख रहा है हमारे इस वीडियो को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस जो हरियाणा से बीएड पर हम लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहली गलती जो बिल्कुल आपको नहीं करनी है वो ये नहीं करनी है कि जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे टाइमली सबमिट नहीं किए हैं तो आपको समस्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। जब एग्जाम्स होंगे उस वक्त आरएलई, मतलब कि आपका हो सकता है कि एग्जाम्स हो जाएं, तब रिजल्ट आएगा तो आरएलई लिखा हुआ उसके सामने होगा, मतलब आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग हैं। या फिर आप इतना समझ लीजिए जो माइग्रेशन का पार्ट है, माइग्रेशन एट एनी कॉस्ट किसी भी तरह से 15 अक्टूबर तक आपको सबमिट कर देना है अपने कॉलेज में। अगर आपने माइग्रेशन टाइमली सबमिट नहीं किया है तो कॉलेज लेगा आपसे पेनल्टी। हालांकि सिर्फ कॉलेज नहीं, ये जो पेनल्टी होती है यूनिवर्सिटी लेती है। दूसरी गलती जो आप बिल्कुल नहीं करनी है, जब भी आप एडमिशन लें किसी भी कंसल्टेंट के द्वारा आप एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हरियाणा में जो बीएड में एडमिशन होते हैं वो मैक्सिमम कंसल्टेंट्स के थ्रू ही होते हैं अगर देखा जाए। तो आप जो एडमिशन ले रहे हैं तो हमेशा कंसल्टेंट को उसकी कंसल्टेंसी ही दें, वो कंसल्टेंसी 5,000, 10,000, 20,000 एज पर कंसल्टेंट या एज पर क्या आपसे बात हुई है उस पर डिपेंड करता है। तो आप सिर्फ अगर कंसल्टेंट को उसकी कंसल्टेंसी ही देंगे तो मैं मानना है ऐसा कि जब आपके एग्जाम्स होंगे आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या या परेशानी का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि लास्ट में ऐसा देखा जाता है कि कंसल्टेंट ने आपकी पेमेंट कॉलेज में जमा नहीं की, आपके उस वक्त एडमिट कार्ड कॉलेज आपको नहीं देगा। दोस्तों, यहां तक कि जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे उन प्रैक्टिकल्स में भी आपको बैठने की परमिशन कॉलेज नहीं देगा, क्योंकि उसकी फीस उसको नहीं पहुंची है। दोस्तों, हालांकि इसमें एक सवाल जरूर आ सकता है कि क्या कोई भी कॉलेज किसी भी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड रोक सकता है, क्योंकि हमने पहले जो वीडियोस बनाई हैं उसमें आपको बताया है कि कॉलेज को यह पावर नहीं है, यूनिवर्सिटी भी ऐसा नहीं कर सकती है कि आपके जब एग्जाम्स होंगे तो आपका एडमिट कार्ड रोक दे। यह आपका राइट है, राइट टाइम पर एडमिट कार्ड लेने का, पर ऐसा कॉलेज करते हैं, और यह जो कॉलेज की दादागिरी मानिए या बदमाशी मानिए चलती है और चलती ही रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करते हैं। तो बेहतर यही है कि जो पेमेंट आप दे रहे हैं कंसल्टेंट को उसकी कंसल्टेंसी दे, बाकी पूरी पेमेंट आप सीधे जाकर कॉलेज को ही दें।
तीसरी गलती जो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, वो गलती दोस्तों ये है कि जब भी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने से पहले कॉलेज का अप्रूवल जरूर देखें। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है कि अगर अलॉट कर दिया गया हो यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई कॉलेज और उसको एनसीटी का अप्रूवल ना हो, पर दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं पहले की कि जब कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाता है तो कई सारे कॉलेज अपनी फीस को कम करके रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कॉलेज पर कोई केस चल रहा था या कॉलेज का जो एनसीटी का अप्रूवल है वो नहीं है, या ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। पर जब कॉलेज अलॉट होकर आता है तो कॉलेज को बिल्कुल एनसीटी का अप्रूवल होता है। अगर आप डायरेक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इस चीज का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने तीन चीजें गलतियां बताई हैं, जो गलतियां आप बिल्कुल नहीं करेंगे एडमिशन लेने से पहले, अगर आपके साथ भी इन चीजों में से कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हो सकता है कि हम आपकी उसमें मदद बिल्कुल कर सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।